मलाकी का ग्रंथ अध्याय एक दिव्यवाणी। मलाकी के द्वारा इसराइल को प्राप्त प्रभु ईश्वर की वाणी। प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, पर तुम पूछते हो, तूने हमसे कैसे प्रेम किया। प्रभु ईश्वर कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से घृणा की। मैंने उसके पहाड़ी प्रदेश को उजाड़ दिया और उसके दाई भाग को सियारों को सौंप दिया। यदि एदोम कहे, यद्यपि हम ध्वस्त हो गए हैं, तथापि हम इन कंडहरों के ऊपर अपने घर बनाएंगे, तो प्रभु ईश्वर का यह उत्तर होगा, बनाने दो, मैं उसे फिर ढाह दूंगा। उनका देश दुष्ट देश कहा जाएगा, तथा प्रभु ईश्वर का नित्य कोप भाजन। तुम अपनी आंखों से यह देखकर कहोगे, प्रभु ईश्वर कितना महान है, उसकी महानता की पहुंच इसराइल की सीमा से परे भी है। पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है, तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी ही हूँ, तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ? मेरे नाम का तिरस्कार करने वाले याचकों, यही विश्वमंडल के प्रभु का प्रश्न है। तुम पूछोगे, हमने किस प्रकार तेरे नाम का तिरस्कार किया है? तुम मेरी वेदी पर दूषित भोजन चढ़ाकर मेरे नाम का तिरस्कार करते हो। तुम पुनः पूछोगे, हमने किस प्रकार इसे दूषित किया है? तुम प्रभु की वेदी को तुच्छ समझते हो। जब तुम अंधा बलि पशु ले आते हो, तब क्या यह बुरा नहीं है? जब तुम लंगड़ा या रोगी बलि पशु ले आते हो, तब क्या यह बुरा नहीं है? विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, यदि तुम इन्हें अपने राज्यपाल को भेंट करोगे, तो क्या वह इन्हें पाकर प्रसन्न होगा और तुम पर कृपा दृष्टि करेगा? विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, अब तुम ईश्वर से हमारे लिए दया की याचना करो, तो क्या वह कृपा कर प्रार्थना सुन लेगा? विश्वमंडल का प्रभु का यह कहना है, क्या तुम में ऐसा कोई नहीं जो द्वार बंद कर मेरी वेदी पर व्यर्थ की अग्नि सुलगाने पर रोक लगा दे? मैं तुमसे अप्रसन्न हूं और तुम्हारे हाथों से चढ़ाई भेंटे मुझे ग्राह्य नहीं है। विश्वमंडल का प्रभु का कहता है, यह कहता है, उदयांजल से लेकर अस्तांजल तक राष्ट्रों के बीच में मेरा नाम महिमावान है। सर्वत्र मेरे नाम पर धूप और शुद्ध बलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच मेरा नाम महिमावान है। किंतु तुम सोचकर उसका अपमान करते हो कि वेद प्रभु की वेदी दूषित और उस पर चढ़ाया हुआ भोजन तुच्छ है। विश्वमंडल का प्रभु का यह कहना है, तुम मुझ पर नाक चढ़ाकर कहते हो, यह क्या बला है? विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम चोरी का लंगड़ा या रोगी बलि पशु लाकर चढ़ाते हो, क्या मैं तुम्हारे हाथों से यह ग्रहण करूं? कदा भी नहीं। धिक्कार उस दूर्त को जो अपने रेवट में नर पशु को पाल कर चढ़ाने की मन्नत मांगता है, किंतु उसके स्थान पर दूषित पशु को चढ़ाता है। विश्वमंडल का प्रभु का यह कहना है, मैं महान राजा हूँ, राष्ट्रों में लोग मेरे नाम से डरते हैं। अध्याय दो। याजकों, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम नहीं सुनोगे, यदि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखोगे,
तो विषमंडल क्या प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। सच पूछो तो मैं उनको अभिशप्त कर ही चुका हूँ, क्योंकि तुम मेरे नाम का आदर करने का ध्यान नहीं रखते हो। देखो, मैं तुम्हारी संतान को डांटूंगा और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बलि पशुओं की अंधड़ियां फेंकूंगा। मैं तुमको अपने से दूर कर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम तब समझोगे कि मेरे ही लेवी के साथ व्यवस्थान बनाए रखने का अपने निश्चय व्यक्त किया है। मेरा व्यवस्थान उसी के साथ था, जीवन और शांति का व्यवस्थान, और मैंने उसे ये वरदान दिए भी, जिससे वह मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति रखे। उसने अपना कर्तव्य पूरा भी किया और मेरे नाम का आदर भी रखा। वह सच्ची शिक्षा देता था और कुटिल बातें कभी नहीं करता था। वह शांति और धर्मनिष्ठा से मेरे पद पर चलता रहा और बहुत लोगों को अधर्म से लौटा लाया। याजक का मुंह सच्चाई का गढ़ है, जहां से मनुष्य शिक्षा की अपेक्षा करे, क्योंकि वह विश्वमंडल के प्रभु का संदेश वाहक है। तुम लोग भड़क गए हो और अपनी शिक्षा द्वारा तुमने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया। विश्वमंडल के प्रभु कहता है कि तुम लोगों ने लेवी का विधान भंग किया है। तुमने मेरा मार्ग छोड़ दिया और अपनी शिक्षा से भेदभाव रखा है। इसलिए मैंने सारी जनता की दृष्टि में तुम्हें घृणित और तुच्छ बना दिया है। क्या हम सब एक का ही पिता नहीं? क्या एक ही ईश्वर ने हमारी सृष्टि नहीं की? तो अपने पूर्वजों का विधान अपवित्र करते हुए हम एक दूसरे के साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया है, यरूशलेम और इसराइल में घृणास्पद कार्य किए गए हैं। हाँ, यहूदा में प्रभु ईश्वर के प्रिय मंदिर को अपवित्र किया है। उसने पराए देवता की पुत्रियों से विवाह किया है। जो कोई ऐसा करे, वह चाहे कोई भी हो, प्रभु ईश्वर उसे याकूब के खेमे से निष्कासित करे और विश्वमंडल के प्रभु को भेंटे चढ़ाने वालों की संगति से बहिष्कृत करे। तुम एक दूसरी बात भी करते हो, तुम रोते हुए विलाप करते हुए प्रभु की वेदी पर आंसू बहाते हो, क्योंकि वह तुम्हारे हाथों से चढ़ाई हुई भेंटें अस्वीकार कर ग्रहण नहीं करता। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में व्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए तुमने उसका पानी ग्रहण किया था। क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता? धर्म संतति। अदा तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। प्रभु इसराइल का ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अधा अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। तुमने बकवाद से प्रभु ईश्वर को उकता दिया है। तुम पूछोगे हम उसे कैसे उकता देते हैं? तब ना, जब तुम ये कहते हो प्रभु ईश्वर की दृष्टि में अधर्मी अच्छे हैं, वह तो
उनको अधिक पसंद करता है। अथवा जब तुम यह कहते हो अब तो न्याय ईश्वर कहाँ है। अध्याय 3। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं अदालत में तुम्हारे प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। मैं इन सभी लोगों के विरुद्ध तुरंत साक्ष्य दे दूंगा। ओझाओं, व्यभिचारियों, झूठी शब्द खाने वालों, मजदूरों को उचित मजदूरी ना देने वालों, विधवाओं को और अनाथों को सताने वालों, प्रवासियों के अधिकार छीनने वालों और मुझसे ना डरने वालों के विरुद्ध। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे हम कैसे लौटे? क्या मनुष्य ईश्वर को ढंग सकता है? फिर भी तुम मुझको ढंग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे डंग रहे हो? तुम दशांश और भेंटों में मुझे डंग रहे हो। तुम पर हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशांश और भेंटे भंडार के पास लाओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिट्टियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करें, जिससे दाखभारियों की दाखलदाएं अच्छे फल देती रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुम लोगों ने यह कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए ढाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ? हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं। जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगेंगे, क्योंकि वह दिन आ रहा है
वह ददकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी कूटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डठल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेंगे। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगेंगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पावों के नीचे रोदोगे। मेरे सेवक मूसा के विधि विधान को स्मरण करो, जिसके द्वारा मैंने होरेब पर्वत पर समस्त इस्राएल के लिए रीति रिवाज निर्धारित किए थे। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियास को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्री की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं।